हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे इसमें जो हम पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस का डिस्कस कर रहे थे, उसमें अब हम जो एजुकेशन है उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ा उसके अंदर हमने भाई पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, एजुकेशन कैसा था, क्या क्या हमारी चीज़ें थी, क्या हमारी ज़रूरतें थी, उसके हिसाब से पढ़ा। और हम आज की शिक्षा प्रणाली के अनुसार पढ़ेंगे कि शिक्षा प्रणाली क्या है, कैसे हम कर सकते हैं इसको कवर, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हम उद्देश्य विहीन शिक्षा, यानी कि एमलेस एजुकेशन क्या है। ठीक, हम एमलेस एजुकेशन को देखेंगे। अब समझिए कि मान लीजिए कि आपका एम है, मान लीजिए कोई भी आप एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम मान लीजिए आप, ठीक है, आपका एम तो है नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, लेकिन आप जो स्टडी कर रहे हैं उससे आप कोई एसएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, समझिए। ठीक, मतलब आपका एम आपने क्या डिसाइड किया है, नेट का, लेकिन आप जो स्टडी कर रहे हैं वो एसएससी कर रहे हैं, स्टडी आप ये कर रहे हैं, तो क्या आप इस स्टडी के थ्रू इसको कभी प्राप्त कर पाएंगे कि आप एसएससी का स्टडी करके नेट क्वालिफाई कर जाएं? तो इसको हम कहते हैं एमलेस एजुकेशन। मतलब देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूर्ण तरह से निर्धारित नहीं हो पाया। पहले क्या था, देखिए जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें एक एम था, किस चीज़ का, इंग्लिश पे फोकस किया गया था उसके अंदर। ठीक है, ये जो इंग्लिश का एम बना दिया गया था, इस एम में क्या रखा कि भाई क्लर्क बनना है किसी को, ठीक है, तो इंग्लिश चाहिए कि चाहिए कि उसको, तो क्या एक एम डिसाइड कर दिया। लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग एमलेस हो गए, हमने सोचा क्या, हम कर क्या रहे हैं। एक बात सोचिए कि आज इंडिया में मैक्सिमम जो एजुकेटर हैं आपके वो इंग्लिश में हैं, बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ने आते हैं, मतलब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा बड़ा होकर इंग्लिश पढ़े, ठीक, वो फटाफट इंग्लिश बोलते चला जाए। तो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको हर लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए, हर लैंग्वेज को बराबरी से पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सब कुछ इंग्लिश में जानते हैं, लेकिन उनसे हिंदी में बोलो तो हिंदी उनका डब्बा गोल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को एक हिंदी को क्या, मतलब जो हमारा एम है उसको तो हमें पाना चाहिए, लेकिन साथ में उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज़ पर पूरा फोकस कर जाएँ, अगर हम किसी एक चीज़ पर फोकस कर जाएंगे तो हम अपने एम से भटक सकते हैं, करेक्ट। और एम को एमलेस ना होने दिया जाए इसके लिए क्या है कि हमारा जो मोटिव है, ठीक है, हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एजुकेशन सिस्टम पे काम करना चाहिए। तो हमें उद्देश्य विहीन शिक्षा से उद्देश्य पूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ना होगा, और जब हम उद्देश्य पूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर हम नेट की बात करते हैं तो हम यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो स्टडी जो हमारा प्लान होगा स्टडी का, वो नेट का होगा, ना कि एसएससी का होगा। ठीक, तो उससे हमारा एजुकेशन सिस्टम ट्रैक पाएगा। एक हम बात करते हैं चांद पर जाने की, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उतना प्रमोट नहीं करते, हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन कितने परसेंट हायर एजुकेशन है जो हम दे पा रहे हैं? हमारे पास में अच्छी फैकल्टी कमी हो जाती है कॉलेजों में स्टूडेंट्स की कमी हो जाती है, एग्ज़ाम ठीक टाइम पर नहीं हो पाते हैं, कई कॉलेजों में बैठने के संसाधन नहीं है। तो क्या है, हमने कमेटी बना देते हैं बार बार, कमेटी की रिकमेंडेशन आ जाती है, लेकिन जो उद्देश्य है उस रिकमेंडेशन को बनाने के, पूरा करने के, वो पूरे ही नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक प्रकार से उद्देश्य विहीन शिक्षा प्रणाली, यानी कि एमलेस एजुकेशन की हम यहाँ बात करते हैं। अब एमलेस एजुकेशन में हम लोग सामाजिक राष्ट्रीय, देखिए सामाजिक राष्ट्रीय एकता की हम बात करते हैं कि हम समाज को राष्ट्र को एक साथ जोड़कर रखेंगे। ठीक, आधुनिकीकरण की बात करते हैं और समाज में जो गतिविधियाँ इनोवेशन है उसकी हम बात करते हैं, लेकिन कई चीज़ें हमारी पूरी हो पा रही हैं, पूरी तरह से पूरी नहीं हो पा रही। बहुत से आप थोड़ा सा अगर आप न्यूज़ भी देखेंगे, ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको देखने को सुनने को मिलेगा कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप भी तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो उससे हमारा एमलेस एजुकेशन जो है वो दिखाई देती है। अब इसमें आगे बात करेंगे
पॉल्टी सिलेबस की, यानी कि दोषपूर्ण सिलेबस क्या है। देखिए बहुत सी जगह पर अभी भी ऐसा देखा जाता है जो आपका दोषपूर्ण यानी फॉल्टी सिलेबस है, पाठ्यक्रम में भी कुछ ना कुछ कमियां आपको देखने को मिलती है। आपने बना दिया कि भाई बीए बना दिया, ठीक है कि बीए का पाठ्यक्रम है, बीएससी का पाठ्यक्रम है या फिर बीकॉम का पाठ्यक्रम है, ये आपने बना तो दिया, लेकिन इसमें जो पढ़ने के लिए आपने सिलेबस निर्धारित किया, क्या वो हमारे उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। आपने मान लिया बीए का पाठ्यक्रम बना दिया, लेकिन बीए के पाठ्यक्रम में आपने पूर्ण रूप से वो चीज़ें डाली नहीं जो होनी चाहिए उसमें। बीएससी के पाठ्यक्रम में आपने केवल थ्योरी थ्योरी से प्रैक्टिकल की बात ही नहीं किया आपने, ठीक। तो क्या नया इनोवेशन करेंगे स्टूडेंट्स, क्या देखेंगे? क्योंकि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जहां पर सिलेबस जनरेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। हमारी आज की 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में हमारी जो जरूरतें हैं उस जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर हम पिछले जमाने में चले जाएं, कौन सा पिछला जमाना हमारा है कि हम आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंट की बात करें कि भाई संविधान लागू होने से पहले, हमारा देश आज़ाद होने से पहले जो हमारा पाठ्यक्रम था, अगर हम उस पर बात करेंगे, उस पर चले जाएंगे पूरी रूप से, तो हमारा वो फॉल्टी हो जाएगा, एक सिलेबस ही फॉल्टी हो जाएगा। क्योंकि हम उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर आधारित हमारा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से उस पर आधारित होगा तो हम आने वाली जनरेशन है, अब अगर हम 2018 में पढ़ रहे हैं तो हमें 2028 के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक। जब हम इन दोनों चीज सिचुएशन को लेकर चलेंगे तो एक हम मध्यम मार्ग की बात करेंगे, ठीक है। और जो मध्यम मार्ग की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम प्रगति की तरफ बढ़ेंगे, प्रगति हमारी होगी, और प्रगति के लिए हमें पॉल्टी सिलेबस से हटना पड़ेगा। पॉल्टी सिलेबस के बाद हमारा जो अगला आता है पॉइंट, वो आता है हमारा मीडियम ऑफ एजुकेशन। देखिए मीडियम ऑफ एजुकेशन भी इस टाइम बहुत ही हाईलाइट हो रखा है। कैसे समझते हैं इसको? देखिए आधे लोगों का मानना क्या है, आधे से ज़्यादा का, मतलब अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 70% to 80% जो इंडियंस है उनका मानना है कि इंग्लिश ही भारत हो चुका है। मतलब अगर वो लोग इंग्लिश जानते हैं तो वही असली भारतीय हैं। देखिए एक जमाना था जब ब्रिटिश टाइम पीरियड था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो द्रास था, उसके समय में क्या था कि भाई बोला गया था इंग्लिश भारतीयों की जरूरत है। वो जरूरत क्यों थी? क्योंकि उस जमाने में जब हर जगह पर ब्रिटिश का ही राज था, भाई वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह मुश्किल ही बची थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना शासन नहीं किया था, तो उस शासन को तोड़ने के लिए, उससे बचने के लिए, उनको समझने के लिए हमें इंग्लिश की जरूरत थी। लेकिन हम अगर उसको भी आज पूर्ण रूप से पकड़ के चलें तो हिंदी का या फिर किसी अन्य भाषा का जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। और हम बात करते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया है, भारत है, वहाँ पे हिंदी प्रचलित है, तो हमें माध्यम ऐसा अपनाना चाहिए जिसमें जिसमें सबके सब कंफर्टेबल हों। हम में किसी, जैसे हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि भाई इंग्लिश हो, अब एजुकेशन आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान के हर कोने में आप एजुकेशन इंग्लिश में प्रोवाइड करवा पाओगे? भाई बहुत से बच्चे ऐसे जो हिंदी में कंफर्टेबल है, बहुत से बच्चे ऐसे जो संस्कृत में कंफर्टेबल है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तमिल में कंफर्टेबल है, तो उनके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से, देखिए हमारे भारत संविधान में 22 भाषाओं को रखा गया है, ठीक है, 22 भाषाओं को जिस हिसाब से संविधान में जगह दी गई है, वो जगह क्यों दी गई है? क्योंकि हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार के भाषा के लोग रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये भाषा निर्धारित की गई है। तो इन भाषाओं के आधार पर ही हमारा शिक्षा का माध्यम पूरी तरह से लागू होना चाहिए कि बच्चा जिस माध्यम में कंफर्टेबल हो उस माध्यम में ही पढ़ सके, लिख सके, और अपनी जो शिक्षा है उसका माध्यम आगे बढ़ा सके। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई माध्यम को थोप दिया जाए कि नहीं आप इसी माध्यम में पढ़ोगे, हम आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहते तो इंग्लिश ही पढ़ोगे, या फिर हम आपको हिंदी पढ़ाना चाहते तो आप हिंदी पढ़ोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे जो आज़ादी के बाद का जो एजुकेशन सिस्टम है और फिर जो ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई फर्क तो रह नहीं जाएगा, वो सब तो सिस्टम सेम हो जाएगा। तो सिस्टम को सेम नहीं होना चाहिए, सिस्टम को बदलते रहना चाहिए। अगर देखिए हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हम तो केवल 22 भाषाओं की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर हमें लगता है कि इसमें और भाषाएं ऐड की जाएंगी, क्योंकि पहले 22 भाषा तो ऐड नहीं थी, पहले कम भाषा ऐड थी, फिर 18 हुई, फिर और 4 ऐड करी 22 हो गई, अभी भी बात की जा रही है भाई और भाषाओं को ऐड किया जाए, तो
तो कम से कम जो भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, उन भाषाओं को तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए एजुकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए। और जब हम एजुकेशन सिस्टम को लागू उन भाषाओं में कर देंगे तो उससे हमें दिखाई देगा क्या कि हम एजुकेशन को भाषा के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, और एजुकेशन जो सिस्टम हमारा वो इंक्रीज कर पाएगा। इससे बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे पढ़ने में, शिक्षा आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ जब आप किसी दूसरे देश की बात करेंगे, देखिए मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर अगर 22 भाषा में पूर्ण रूप से शिक्षा दी जाए हर कॉलेज हर इंस्टीट्यूट में, तब क्या होगा कि जो और देश के जो नागरिक हैं, जैसे कि हमारे देश के नागरिक भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें जापनीज सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, ठीक है, तो और देशों के नागरिक भी हमारे देश में आते हैं। बहुत से लोग हिंदी सीखने आते हैं, बहुत से तमिल सीखने आते हैं, तो वो भी हमें और मोटिव करेंगे। मतलब हमें हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा कि भाई वो लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं सीखने के लिए। इससे क्या होगा, हमारे जो कॉलेज हैं उनका नाम होगा कि भाई वहाँ पर इतने प्रकार की भाषा सिखाई जाती हैं। तो जो बाहर की कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें हमारा जो एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो एक मोटिव है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है हमारा, उसमें भी सुधार होगा। किससे, एजुकेशन के माध्यम से। अब हम इसमें बात करेंगे कि शिक्षा में विशिष्टीकरण कैसे होगा, स्पेसिफिकेशन क्या है एजुकेशन का। तो स्पेसिफिकेशन देखते हैं। देखिए विशिष्टीकरण में क्या है कि आप विशिष्ट प्रकार की शिक्षाओं की बात करते हैं, मतलब एक स्पेसिफिकल शिक्षा को लेकर ना चले। जैसे कि आपने डिसाइड कर, जैसे ब्रिटिश टाइम में मैंने बताया था आपको कि टोटल 23 यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पर, 23 विश्वविद्यालय थे, जिनमें से केवल 3 जो विश्वविद्यालय थे वो मेडिकल के लिए थे, और एक विश्वविद्यालय था किसके लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, सिविल्स के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या है कि पर्टिकुलर फिक्स ना करें विश्वविद्यालय को। मान लीजिए आपने बोल दिया कि भाई कि आर्ट साइड के लिए इतने विश्वविद्यालय होंगे, साइंस के लिए इतने विश्वविद्यालय होंगे। अब एक सोचिए कि इंडिया में आज के डेट में 29 स्टेट्स हैं और हमारे 7 यूटीज हैं, ठीक है। अब किसी स्टेट में साइंस का जो विश्वविद्यालय वो है ही नहीं, एक बच्चे को दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ रहा है, चाहे फिर उसको पैसे की कमी है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, या फिर कोई और सोर्स की कमी वो नहीं जा पाएगा, कोई और ज़रूरत है नहीं जा पाएगा, बहुत से चले भी जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम आपका बर्बाद होने लग जाएगा, मतलब कमी आने लग जाएगी एजुकेशन सिस्टम में। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस जगह का बच्चा है वो उसी जगह पर शिक्षा ले सके। हालांकि किसी की मर्जी है तो वो मर्जी से तो अपने लोग विदेश जाकर भी शिक्षा लेते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर शिक्षा है वो तो वहाँ पर मिलनी चाहिए। जो बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है साइंस अवेलेबल होनी चाहिए, कॉमर्स अवेलेबल होनी चाहिए। और शिक्षा में ऐसा नहीं है कि केवल आप पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा को दो, क्योंकि पाठ्यक्रम के अगर आधार पर आप शिक्षा को देना चाहोगे तो शिक्षा का विशिष्टीकरण हो जाएगा। उसमें भी आपको विशिष्टीकरण से अलग हटके अब सोचना है। जैसे एजुकेशन में आपको बिजनेस के लिए प्रमोट करना चाहिए कि भाई बिजनेस कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, व्यवसायीकरण बनाना चाहिए और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, आधुनिक का निर्माण करना चाहिए। तो इसमें क्या है, विशिष्टीकरण नहीं हो पाएगा शिक्षा का। तो इस प्रकार से चेंजेस होने चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें अवरोधन की समस्या क्या है, इसको हम अपव्यय बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि शिक्षा में, जैसे शिक्षा चल रही है, ठीक है, तो उसमें किसी भी टाइप का एक रोक लगा देना, मतलब कि भाई कोई एजुकेशन चल रही है, एक पाठ्यक्रम चल रहा है, आप उस पाठ्यक्रम में कोई अवरोध उत्पन्न कर रहे हो, लगा रहे हो, फिर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी उस पाठ्यक्रम में कि भाई इसमें बच्चे ज़्यादा एडमिशन नहीं ले पा रहे, इस चीज़ को हम बंद कर देते हैं, उसको चालू कर देते हैं, चेंजेस बिना वजह के चेंजेस। मतलब कैसे, सोचिए कि एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई एजेंसी बनाई हमने से, ठीक है, एक जो हम एजेंसी ए करके हमने एक एजेंसी बनाई, सेंट्रल लेवल पे एक एजेंसी बना दी, जिसका हमने नाम दे दिया ए, ठीक। अभी क्या कर रही है, इंडिया के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको हैंडल कर रही है सेंटर के लिए, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, और हमने बना दिया बी। अब ये स्टेट के लिए हैंडल कर रही है मान लीजिए, या फिर स्टेट अपने लिए खुद बना सकती है। अब हम अगर ये सोच लें कि इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए, कि कॉमन बना दिया जाए इसको, हम या तो ए बी नाम दे दें हम कॉमन बना करके इसको, या फिर हम कॉमन नाम दे दें सी, चलिए हमने सी नाम दे दिया, कि इसके भी कार्य प्रणाली देखेगी, इसके भी कार्य प्रणाली देखेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिना वजह के लोड पड़ जाएगा। अब जो लोड पड़ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो कमियां हैं
वो दूर नहीं कर पाएगा शिक्षा के अंदर जो कमी, जिसका उद्देश्य उसको बनाया गया था। हाँ वो एक सिस्टम फंस जाएगा कि भाई उस पर लोड बढ़ गया, वो चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि हर स्टेट की अपनी प्रॉब्लम है, हर स्टेट में अपनी मान्यता है, हर स्टेट में अपनी लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। तो इसलिए वो बनाया गया है भाई, स्टेट में जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, सेंटर में चलना है चलने दीजिए, ठीक। इनमें कभी भी मिक्सकरण नहीं करना चाहिए आपको। अब आएगा इसमें छात्रों की अनुशासनहीनता, ठीक है, स्टूडेंट का इनडिसिप्लिन कैसा है। देखिए स्टूडेंट का इनडिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में। मान लीजिए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट को कुछ काम के लिए हमने बोला कि भाई आपको ये काम करना है ये नहीं करना। सपोज दैट हम लोग बचपन में जब एजुकेशन लेने जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर हम एजुकेशन लेने जाते हैं, तो उस समय पे हमें एक यूनिफॉर्म मिलती है पहनने के लिए, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक। मैं बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा, छोटा छोटा शॉर्टकट में लिखूंगा, यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है, और प्रॉपर हमें पता होता है कि हमारा ये सिलेबस आज का, हम बुक्स उस हिसाब से हैंडल करते हैं, हमें बुक्स का पता होता है, ठीक। साथ ही साथ में हमें कुछ रूल्स होते हैं जो स्कूल्स में फॉलो होते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। अब जो भी चीज़ इनसे हटके होगी, मतलब आप स्कूल टाइम पर है, आप यूनिफॉर्म को कैरी नहीं कर रहे पूरी तरह से, ठीक है, तो वो आपका इनडिसिप्लिन आएगा, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म का सिस्टम है वो आपको सिखाता है कि आप किस प्रकार से एक सभ्य समाज में कपड़े पहनेंगे और सभ्य समाज में जिएंगे, ठीक है। वो आपको सिखाता है कि किस प्रकार से, अगर आपकी नौकरी लगती है, मान लीजिए आप पुलिस में लगते हो, पुलिस में यूनिफॉर्म है, मिलिट्री में यूनिफॉर्म है, ठीक है, और भी जो बहुत से देश के ही सेवाएं में यूनिफॉर्म का यूज़ होता है, तो वो सब चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। बुक्स का एक अपना अलग रोल है, ठीक, कि भाई बुक्स आप पढ़ रहे हैं, अब आपको पता लग रहा है कि आपके पाठ्यक्रम तो आपका 10th क्लास का, ठीक, लेकिन आप 10th क्लास की बुक ही नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी और चीज़ क्लास में घुसे पड़े हो, ठीक है, मतलब आप किसी और एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपको एक इनडिसिप्लिन आ जाएगा। स्कूल, आप स्कूल में किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा रहे हो, आप स्कूल अटेंड ही नहीं कर रहे हो, ठीक, अटेंड एक ना करना होता है कि आप किसी कमी की वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे हो, एक होता है जानबूझ के अटेंड ना करना। तो ये सब जो क्रिया जो आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो जिससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और जो नियम खुद बनाए गए आपकी सहूलियत के लिए आप उनका भी उल्लंघन कर रहे हो, तो वो आपका कहलाएगा क्या, इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब उसके बाद जो आपका 7वां नंबर का आता है वो आपका आता है निर्देश एवं परामर्श का अभाव, यानी कि लैक ऑफ डायरेक्शन एंड सजेशन। इसको भी देख लेते हैं ये क्या होता है, कैसे चल काम करता है ये। देखिए आपने एक सिस्टम बना दिया एजुकेशन का, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बनाने के बाद में उस सिस्टम में आपको समय रहते कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, डायरेक्शन चाहिए। आप अगर पॉलिसी कोई बना देंगे और उस पॉलिसी को बनाकर आपने डाल दिया कि भाई ये पॉलिसी है ये मानी जाएगी, तो क्या सारे के सारे उसको फॉलो करेंगे, मुश्किल है। तो उसको फॉलो करने के लिए, लागू करवाने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए होगा, यानी कि डायरेक्शन देने वाला चाहिए होगा, कुछ लोगों जो सजेस्ट करने वाले होंगे, नहीं आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, एजुकेशन सिस्टम को समझना कैसे है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और इस पढ़ाने के माध्यम से मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो वही चीज़ है। क्योंकि देखिए आपके पास बुक है, बुक मार्केट में आप बुक से खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक आपको क्या एक डायरेक्शन दे रही है, सजेस्ट कर रही है बुक भी, ठीक है। तो डायरेक्शन और सजेशन, निर्देश और परामर्श, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आपने कोई मान लीजिए पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी में आपने एक पॉलिसी ऐसे मान लीजिए, मैं बहुत ड्रॉ करता हूँ, ये पॉलिसी आपने बनाई है, इस पॉलिसी में आपने एक दो ऐसे करके कुछ सारे पॉइंट वॉइंट डाल दिए, ऐसे पॉइंट आपने लिख दिए इस पॉलिसी में, ठीक है। अब इस पॉइंट को लिखने के बाद मान लीजिए कुछ लोगों की कमेटी बनी, 8-10 लोगों की, उन्होंने एक पॉइंट बना दिए, उन पॉइंट्स को आप लागू करना चाहते हैं, आप ऐसे नहीं उनके सभी पॉइंट सही हो जाएंगे, सीधी बात है, ऐसा तो नहीं है हर पॉइंट उनका वैलिड होगा, होना चाहिए, कुछ पॉइंट गलत भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए पहला पॉइंट का सही लगा, दूसरा सही लगा, तीसरा सही लगा, लेकिन चौथा पॉइंट दिख रहा है भाई इससे ये नेगेटिविटी आ सकती है, तो उसको हटा दिया, ये क्या होगा आपका, ये सजेशन हो गया एक प्रकार से, कि उन्होंने सजेस्ट कर दिया आपको ये पॉलिसीज, ये पॉइंट उनके बिहाफ पे आप कार्य कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आपका हो गया सही हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये वाला भी गलत हो जाए, तो ये सजेशन और डायरेक्शन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके एजुकेशन में, क्योंकि सजेशन और डायरेक्शन के बिना एजुकेशन सिस्टम को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब अगला हम बात करेंगे इसमें दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का, कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली
क्या होती है, कैसे वर्क करती है। देखिए अब इसमें देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली क्या है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समझते हैं, फॉल्ट एग्जामिनेशन सिस्टम। देखिए जो फॉल्ट एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम किसी स्टेट में हो रहा है, यूपीएससी स्टेट में हो रहा है, और एक एग्ज़ाम दिल्ली स्टेट में हो रहा है मान लीजिए, ठीक। अब दोनों ही जगह पर पाठ्यक्रम जो है वो अलग अलग है, ठीक है, और आपने क्या किया कि यूपी का एग्ज़ाम उठाकर दिल्ली में करवा दिया, पाठ्यक्रम अलग अलग है तो बच्चे क्या उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, जो उन्होंने वो चीज़ पढ़ी नहीं तो दे कैसे पाएंगे, ठीक। तो ये एक प्रकार से हो गया आपका फॉल्ट एग्जामिनेशन सिस्टम, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि जो मार्किंग मान लीजिए कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी प्रकार से कि एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछनी चाहिए, मतलब जो आपने पाठ्यक्रम में दिया गया है उस पाठ्यक्रम से आप हट के बात कर रहे हैं, उस चीज़ को बदल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली हो गई। अब इसमें देखिए इस तो जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है उसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो उद्देश्य विहीन हो जाएगा, ठीक है, उद्देश्य से अलग हट जाएगा, वो भी एक प्रकार से आपकी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में ही आ जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे शिक्षा का गिरता हुआ स्तर क्यों है, डिक्लाइनिंग ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए शिक्षा का गिरता हुआ स्तर कैसे है, शिक्षा में सबसे पहले तो एक असमानता बनी हुई है, कैसे कि भाई एडमिशन के टाइम पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने गए, ठीक है, अब स्कूल में क्या होता है, पहले तो आजकल पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है कि पेरेंट्स इंटरव्यू दो वो कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है बच्चे का, उसमें कौन कौन पढ़ा लिखा है, कहाँ से किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्या उसका धर्म है, ये सब चीज़ें आजकल देखी जाती हैं, उसके बाद में ही एडमिशन का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद में क्या, उससे पहले भी क्या हो जाएगा कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रख देते हैं। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इससे बच्चे का मनोबल भी गिर जाता रहेगा, क्यों, क्योंकि एक स्कूल में निर्धारित करते हैं कि 50 सीटें हैं, 500 बच्चे उसमें बैठ जाते हैं, जिसमें से क्या होता है कि 50 बच्चे सेलेक्ट होंगे 500 में से, यानी कि जो 450 हमारे पास बचा, रेशियो बचा 450 का, ये सारे बच्चे तो निराश हो जाएंगे इतनी छोटी उम्र में कि भाई हमें एडमिशन नहीं मिल पा रहा स्कूल में, हमें मन चाहे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही। मन चाहे स्कूल में पढ़ाई करना भी एक एजुकेशन की कमी हो चुकी है, कैसे, देखिए मान लीजिए कि एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है, या फिर कुछ गवर्नमेंट स्कूल जैसे प्रतिभा विकास हो गया आपका, सेंट्रल स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, तो ऐसे स्कूल है जिनको अच्छा स्कूल मानते हैं, और हर बच्चा तो इसमें पढ़ नहीं सकता, हर बच्चा इसमें पढ़ क्यों नहीं सकता कि एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, कैसे, जैसे एक जो टीचर्स होंगे वहाँ के वो बोलेंगे भाई हमने हमारे स्कूल के बच्चे 95% 90 प्लस रिजल्ट आते हैं, उनका रिजल्ट हमेशा 90 प्लस रहता है, 90% से ऊपर। लेकिन एक बात सोचिए, जो स्टूडेंट 90 प्लस मार्क्स ला रहा है क्या वो कभी चाहेगा कि उसके मार्क्स 30% आ जाएं, 33% आए, 40% आए, जिससे वो पास हो सके, नहीं ना, वो हमेशा चाहेगा वो ग्रोथ करे आगे, ठीक है। हालांकि कभी हो सकता है कि उसके मार्क्स घट के 85% पे आ गए तो उसके लिए भी बहुत बड़ा शौक होगा, एक तरह वो खुद चौंक जाएगा भाई ऐसा कैसे हो गया, और वो फिर दोबारा मेहनत करेगा उतना जाएगा। तो इन बच्चों का डायरेक्शन चाहिए होती है। शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए एक नीति बताई जाती है कि जो बच्चा 35% मार्क्स ला रहा है, ठीक है, 35% से 50% मार्क्स या 60% मार्क्स तक लेकर के आ रहा है, उन बच्चों को एजुकेशन दी जाए अच्छी। कैसे अच्छी, कि उन बच्चों का अच्छे स्कूल में, प्रतिभा विकास, सेंट्रल स्कूल, ठीक है, नवोदय विद्यालय, इनमें एडमिशन लिया जाए, और टीचर को बोला जाए कि भाई इन बच्चों के ऊपर मेहनत करके और इनको 90% पर पहुँचाया जाए, तब लगता है कि हाँ टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम प्रमोट हो रहा है। क्योंकि जो बच्चे पहले 90% आ रहे हैं उनके ऊपर उतना फोकस करना की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा जरूरत उनके ऊपर फोकस करने की नहीं है। तो एक प्रकार से ये भी कमी देखी जाती है कि ये शिक्षा गिरता हुआ स्तर है। अगला स्तर क्या हो जाता है कि कॉम्पिटिशन छिड़ जाता है मार्केट में कि भाई इतने परसेंट नहीं लाओगे तो आगे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो इस कॉम्पिटिशन चक्कर में लोग
एक रट्टू तोता की तरह बन चुके हैं कि भाई रटने पर ध्यान देते हैं, लगे हुए हैं कि भाई किताबों को पढ़ना है, किताबी ज्ञान में ही घुसे हुए हैं, किताबी ज्ञान को ही लेके आगे बढ़ते हैं, तो वो भी एक शिक्षा का गिरता हुआ स्तर बन चुका है। उसके बाद में कुछ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, कैसे? देखिए, प्राइवेट स्कूलों पढ़ने पढ़ाने के लिए जाता है एक इंसान, अब गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट एक स्कीम बना देती है कि भाई इतने परसेंट गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देना ही अनिवार्य कर देते हैं, ठीक। अब वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देना अनिवार्य कर दिया, प्राइवेट स्कूल एडमिशन दे भी दे, लेकिन यहाँ पर एक कमी क्या देखी जाती है कि जब वो गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, ठीक है, तो वहाँ जो अमीर बच्चे आ रहे हैं वो क्या देखिए कैंटीन में जा रहे हैं, महंगा खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरह से अपना खर्चा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियों में आ रहे हैं, बहुत अच्छी यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, लेकिन जो गरीब स्टूडेंट है उनको देख करके उस गरीब स्टूडेंट का जो मनोबल है वो कम होता जाएगा। दो ही कंडीशन हो गया, तो मनोबल कम होगा या फिर वो डिमांड करेगा ऐसी स्थिति में डेवलप होने की, ठीक। अब उसके पेरेंट्स की हालत ऐसी नहीं कि वो ऐसी स्थिति में उसको डेवलप कर पाए, और गरीब स्टूडेंट की जो डिमांड है तो वो अपनी इच्छाओं को मारेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे भी उसका ध्यान जो है वो पढ़ाई से भटकेगा, और जब पढ़ाई से ध्यान भटकेगा तब क्या होगा, फिर से या तो वो एजुकेशन को बीच में छोड़ देगा या फिर वो एजुकेशन से ही नफरत करने लग जाएगा, तो ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती है कभी कभी, और इन स्थितियों की वजह से ही शिक्षा का स्तर बार बार गिरता जा रहा है। इसके लिए देखिए, एक अलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट निकाला था बहुत अच्छा कि भाई जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे गवर्नमेंट स्कूल में, उसका भी एक मोटिव है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो सरकारी स्कूलों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है, एजुकेशन डायरेक्टर होगा, ठीक है, या फिर शिक्षा मंत्री होगा, उनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर बाहर विदेशों में जाके एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो लोग क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम पर इतना ध्यान नहीं देते कि भाई कितना खर्च हुआ, कितनी फैसिलिटीज़ मिली, जो पैसा बच्चों के लिए आया वो यूज़ हुआ नहीं हुआ, बुक्स किसको प्रोवाइड हो रही हैं, और जो यूनिफॉर्म्स हैं वो मिल रही है नहीं मिल रही, मिड डे मील की क्वालिटी कैसी है, तो ये सब देखिए। मिड डे मील भी क्या था कि प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए चलाया गया था, कैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं इंडिया में जो खाने की वजह से ही पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि उनके परिवार का मोटिव क्या रहता है, भाई आपको इतना कमाना है जिससे कि हम दिन का खाना खा पाएंगे, रात का खाना खा पाएंगे, तो वो बच्चों को जल्दी से हटा करके पढ़ाने मतलब कमाई में झोंक देते हैं, छोटी उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं उनसे, कोई ना कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कोई खेतों में काम करवा रहा है, तो इससे क्या है कि एजुकेशन में इस तरह वो कम होने लगा था, तो मिड डे मील की व्यवस्था की गई जिससे कि बच्चे खाना खा सकें। अब मिड डे मील की क्वालिटी की बात कोई नहीं करता कि मिड डे मील की क्वालिटी की बात करें, क्योंकि जब आप मिड डे मील की क्वालिटी की बात करोगे तो बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ वहाँ जो खाना मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, ठीक। और आप खुद भी जानते हैं कितने परसेंट इंडियन ऐसे हैं जो चाहे कि उनका बच्चा मिड डे मील खाए, मिड क्योंकि उन सबको पता है कि मिड डे मील में मिलने वाला खाना अच्छा ही नहीं है। अब यहीं पर आ जाता है एक सिस्टम और निकल करके, इसको हम बोलते हैं आंगनवाड़ी वाला सिस्टम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी एक एजुकेशन सिस्टम प्रमोट होता है जिसको आज डेवलप कर दिया हम लोगों ने किसमें, प्ले वे स्कूल में, क्योंकि बच्चा क्या करता है, आप बच्चे हल्का सा बड़ा हुआ चलने लगा, एक 1.5 साल का 2 साल का हुआ, तो माँ बाप ने उसको उठाकर डाल दिया पेरेंट्स ने किसमें, प्ले वे स्कूल में, प्ले वे स्कूल में जाकर वो खेल रहा है, कूद रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, और वही सिस्टम क्या था पहले हमारा आंगनबाड़ी का, क्योंकि आज आंगनबाड़ी की हालत आप खुद जान चुके कैसी है, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, गंदगी मिलती है, तो इस वजह से क्या है कि आंगनबाड़ी प्रमोट नहीं हो पाई, तो गरीब बच्चे प्ले वे स्कूल जा नहीं सकते, तो स्कूल से फिर वही हो गया कि शिक्षा का स्तर क्या है, धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा एजुकेशन को उठाने के लिए। साथ में एक और पॉइंट आता है शिक्षा गिरते हुए स्तर में ही, कि जो एजुकेशन है उसको एक बिजनेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, कि हर प्रकार से बिजनेस बना दिया, बच्चा पहले महंगे स्कूल में जाकर पढ़ेगा, अच्छी फीस देगा, उसके बाद वो ट्यूशन की कोचिंग की फीस देगा, उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो वो 90% 85% लेकर के आएगा या 95% लेकर के आएगा, तो क्या एक प्योरली बिजनेस बन गया। प्राइमरी स्कूल से लेकर के आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है, और हर परिवार की हालत अच्छी नहीं होती जो अमाउंट खर्च कर सके, तो भी शिक्षा का स्तर उससे भी गिरता जा रहा है, क्योंकि कॉलेजों में एजुकेशन के लिए टीचर्स नहीं होते, प्रॉपर पाठ्यक्रम नहीं होता, एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहे, तो ये सब के सब कारण बनते जा रहे हैं जिससे कि एजुकेशन सिस्टम बेकार होता जा रहा है। अब हम लास्ट बात करेंगे इसमें, छात्र संघ
जो स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं विश्वविद्यालय में उनके बारे में बात करेंगे। देखिए आप संघ के बारे में समझते ही हैं, ठीक है, तो छात्र संघ भी उसी से एक निकला हुआ एक तत्व की तरह हम उसको समझ लेते हैं। छात्र संघ क्या है? कॉलेजों में आपने देखा होगा कि इलेक्शन होते हैं और उसमें क्या है, छात्र संघ बन जाते हैं, स्टूडेंट यूनियन बन जाती हैं। स्टूडेंट यूनियन काम क्या करती हैं आपकी, कि कॉलेजों में जो बनने वाली पॉलिसीज होती है ना उनमें भी इंटरफेयर करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा तौर पर। मतलब जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनके पढ़ाने में इंटरफेयर करते हैं, कोई नई पॉलिसी लागू हो रही है उनके लिए इंटरफेयर करते हैं। अब मान लीजिए छात्र संघ एक ग्रुप बना लिया जिसमें 25 स्टूडेंट हैं कॉलेज से, अब कॉलेज में तो केवल 25 स्टूडेंट नहीं होंगे, वहाँ तो स्टूडेंट की संख्या 2500 भी हो सकती है भाई, 2500 तक, ठीक है। अब मान लीजिए 2500 स्टूडेंट, लेकिन उनमें 25 स्टूडेंट जो है वो छात्र संघ का हिस्सा बने हुए हैं। अब उन 25 स्टूडेंट को जो चीज़ पसंद आएंगी या फिर उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों को जो चीज़ें पसंद आएंगी वो चाहेंगे यूनिवर्सिटी में वही चीज़ लागू हों, वही चीज़ चलें, ठीक। लेकिन जो यहाँ पर 2500 हैं, अब 2500 में मैं कहता हूँ 100 इधर की तरफ आ जाते हैं, तभी भी यहाँ पर 2400 का एक बहुत बड़ा डेटा आपके पास बसता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके पास भी एजुकेशन को समझने के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, इनके पास भी विचार होने चाहिए। तो बेटर होगा कि जो छात्र संघ के लोग हैं, छात्र संघ के जो स्टूडेंट हैं, वो जो इंटरफेयर कर रहे हैं कॉलेज के प्रशासन कार्य में उनको ना करें, ठीक है। एक जो व्यवस्था बनी हुई है कॉलेज के प्रशासन की उसको चलने दें और उसमें इंटरफेयर करके उसको ना गिराएं वो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है जिससे एजुकेशन में कमी आती है। तो ये एक 10 पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाया एजुकेशन में कमी के जो कारण बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब इसके बाद बात करेंगे कुछ अदर चीज़ों पर एजुकेशन को लेकर के, कि क्या क्या सुधार किए गए, कैसे कैसे किए गए, राइट टू एजुकेशन कैसे आया, क्या जरूरत थी उसकी, उन सब चीज़ों पर इसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है।